तीन लड़कियां एक जैसे कपड़ों में चमकदार तरीके से एक साथ ज्वेलरी स्टोर में आई। अचानक उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सबको डराने लगी। सुरक्षा कैमरे को ढक दिया एकदम कुशलता से। किसी को इसकी आशा नहीं थी, वे जिस तरह लूटने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले भी टच कर पाती ज्वेलरी कैबिनेट फट पड़ा। लड़कियों ने आसानी से ज्वेलरी उठाई, उन्हें अपने बैग में भर लिया। तभी एक बहादुर आदमी उन्हें रोकना चाहता था, वह पीछे से लड़की पर हमला करता है, उसकी बंदूक को फेंक देता है। एक आदमी इस गहमागहमी में पुलिस बटन को दबाने की कोशिश करता है। उसी समय स्टोर का मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जब पुलिस आई तीनों लुटेरी गायब हो चुकी थी। बहादुर आदमी को बंदूक लगी और वह मारा गया। आश्चर्य से पुलिस सोचती है कि आदमी की मौत एक हादसा है। जब मुख्य दरवाजा बंद हुआ, ये लुटेरी की बंदूक से टकरा गया और आदमी मारा गया, जबकि उसे लुटेरों ने मारा था। फिर एक पुराने एडक में पुलिस को लुटेरे के निशान मिलते हैं। वे एडक से भाग कर गई है, लेकिन इस एडक के बारे में मालिक को भी नहीं पता था। लुटेरे को कैसे पता चला? यहाँ तक कि उनके पास इस जगह का ब्लूप्रिंट भी था, लेकिन यह बिल्डिंग लगभग 100 साल पहले बनी थी। इसका एकमात्र ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट के रिकॉर्ड ऑफिस में ही रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद लुटेरे के जाने के रास्ते से जो मिला था, उससे FBI ब्लूप्रिंट की बारीकी को खंगालने में सक्षम थी। केमिकल टेस्ट से उन्हें पता लगा कि यह साई है, जिसका कई सालों पहले ब्लूप्रिंट में इस्तेमाल हुआ है। अब इसे किसी केमिकल से बदल दिया गया है। बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में विशेष स्याही का इस्तेमाल हुआ है। आगे की तहकीकात से पता चलता है कि केवल एक आर्किटेक्ट कॉलेज का छात्र है, जिसने अभी ब्लूप्रिंट उधार लिया है। नताली है, इतना अजीब है। तीनों लुटेरे 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट है। जब पुलिस नताली के घर पहुंची तो एक और चौंकाने वाली बात, नताली अपने बेड पर मृत पड़ी थी। अब FBI एकदम शंका में पड़ गई। तीन कॉलेज लड़कियों ने एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया और FBI को सख्ते में डाल दिया। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने लूट कैसे की। नताली आर्किटेक्ट मेजर में थी, उसे स्टोर का ब्लूप्रिंट मिला और उसने बचने का रास्ता खोज लिया। बास फिजिक्स मेजर में थी, उसने चुपचाप तरीके से कैबिनेट को तोड़ने के लिए एक विशेष तरंग का इस्तेमाल किया। एक और कॉलेज गर्ल, उसने परफॉर्म करने की पढ़ाई की थी और सीखा था कि रूप कैसे बदला जाता है। इस तरह उन्होंने ब्रेकफास्ट एक टिफिन फिल्म के पात्रों का रूप धरा, ज्वेलरी स्टोर में गई और लूटने में सफल हुई। कुछ दिनों बाद FBI को बाकी बचे लुटेरों के निशान मिले। एक और सबूत, उनका शक नताली पर था, लेकिन अजीब बात थी कि नताली की मौत अपार्टमेंट में हो चुकी थी। क्राइम सीन ने दिखाया कि हत्यारे को किसी चीज की तलाश थी। पुलिस को शक था कि तीनों लड़कियों ने सामान का बंटवारा करते समय लड़ाई की थी, लेकिन बाद में फॉरेंसिक ने इसका इनकार कर दिया। नताली के सिर पर एक बंदूक का निशान था, साफ था कि उसे डराया गया था। उसकी आंखों के नीचे वहाँ डायमंड की धूल थी। वह डायमंड था ब्लड डायमंड, जो कि अधिकतर अफ्रीका में कांगो नदी से आता है। स्थानीय लोग हथियार खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत मूल्यवान है। 2015 में नीलामी में एक दुर्लभ गुलाबी डायमंड 180 मिलियन की ऊंची कीमत पर बिका था, इसलिए जिसने भी इसे खरीदा वह पैसे वाला इंसान होना चाहिए। लेकिन जिस ज्वेलरी स्टोर में लूट हुई थी, वहाँ ऐसा डायमंड कभी नहीं बिका था, तो फिर ये ब्लड डायमंड आया कहाँ से? CCTV फुटेज देखने पर सच्चाई का पता लगा। ये लुटेरी लड़कियाँ ज्वेलरी लेने के बाद भागी नहीं, आराम से चलकर गई पुलिस की ओर ताकि पकड़ी जाए। ऐसा लगा जब लूट हो रही थी तो स्टोर में एक गंजा आदमी था, उसी ने ब्लड डायमंड को पकड़ा हुआ था। बास को डायमंड की कीमत पता थी, वह मदद नहीं कर सके, लेकिन उसने भी इसे ले लिया। उन्हें पता था कि गंजे आदमी ने मैसेज भेजा था बाहर अपने साथी को। जब लुटेरों ने कपड़े बदले और बाहर निकले तो उनका पीछा किया गया। सबसे पहले गंजे सिरवाले ने नताली को ढूंढा, लेकिन उस समय डायमंड बास के हाथों में था। गंजे सिरवाले को ब्लड डायमंड नहीं मिला, इसलिए उसने नताली को मार दिया। उसने दूसरी महिला बंदक को पकड़ा बास को डराने के लिए, अगर उसने उसे डायमंड नहीं दिया तो महिला को भी नताली की तरह मार दिया जाएगा। बास को इसकी आशा नहीं थी, वह अनुभव लेना चाहती थी, इसलिए उसने लूटपाट की। उसने सोचा था कि मामला बदल जाएगा, इसलिए उसने अपनी सारी ज्वेलरी निकाली और FBI से मदद मांगी। एक महिला अधिकारी ने बास के बजाय अदला बदली करने का सुझाव दिया, लेकिन ट्रेडिंग बैग में एक बम था। जाहिर था कि FBI ने एक गंजे सिरवाले की चालाकी को नहीं समझा। गंजे सिरवाले ने फोटो ली और देखा कि जो लड़की आई थी वो फोटो में नहीं है। उसे पता था कि वह बास नहीं है। वह गोली मारने को तैयार था, लेकिन महिला अधिकारी एक कदम ही दूर थी। उसने बम को घुमाया और बंदक को बचा लिया। गंजे सिरवाला पकड़ा गया। केवल एक जीवन का अनुभव लेने के लिए इसका अंजाम उसके दोस्त की